तो फाइनली गाइस शॉर्ट 496 यानी कि शॉर्ट ऑफ द वीक का पूरा रिव्यू हम लेके आए हैं। टाइमिंग, पोजीशन, लेंथ सब कुछ आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लीजिए अपने 8 फ्रेगमेंट बर्बाद होने से पहले। तो आप क्विस्ट में इसे ले सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट ऑफ द वीक है, तो क्विस्ट में आपको मिल जाएगा। 496 इस शॉर्ट का नाम है। हम सबसे पहले इसे परचेज कर लेते हैं। तो भाई शॉर्ट परचेज के बाद आपको शॉर्ट मैप में आना है और 2 o'clock पे भाई किसी भी बैट्समैन को लेकर 496 वाला शॉर्ट फ्रंट फुट पे मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, बस फ्रंट फुट पे ही ये शॉर्ट अवेलेबल है, बैक फुट या फिर स्पेशल में नहीं है। अब बात करते हैं कि किस किस लेंथ को ये शॉर्ट कनेक्ट करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यॉर्कर देख लीजिए भाई, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। यॉर्कर लेंथ की बॉल को भी कनेक्ट करता है। इस बार हम फुलर लेंथ की बॉल देखते हैं, इसको भी कनेक्ट करता है। और खेलने के बाद लग रहा है कि थोड़ा लेट टाइमिंग करना पड़ता है इस शॉर्ट को, देखते हैं टाइमिंग में। अब इस बार भाई गुड लेंथ की बॉल को भी कनेक्ट कर लिया। फाइनली लास्ट बचा भाई शॉर्ट लेंथ, तो मेरे ख्याल से नहीं करेगा। हाँ भाई, तो गाइस 3 लेंथ की बॉल को कनेक्ट करता है, गुड लेंथ, फुलर लेंथ और यॉर्कर। इस बार टाइमिंग की बात कर लेते हैं हम, तो टाइमिंग भाई आपको काफ़ी लेट खेलना है। जैसे कि आप 493 खेलते हैं वैसे ही गाइस इसका भी टाइमिंग है, एकदम लेट खेलना भाई। जितना लेट आप खेलोगे उतना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन होगा। देख लीजिए, एकदम जब बॉल पीच होने वाली हो दोस्तों, एकदम जब पीच होने वाली हो उस टाइम आपको खेलना है फ्रंट फुट से, बहुत ही अच्छा कनेक्शन होगा। बस फ्रंट फुट पे मिलता है और 3 लेंथ की गेंद को कनेक्ट करता है। तो गाइस जब बात रहा पोजीशन का कि किस पोजीशन पे हम इस शॉट को खेल सकते हैं, देख लीजिए स्ट्रेट बॉल के लिए आपको 2 स्टेप की दूरी रखना है बॉल से। अगर बॉल एकदम सीधी हो तब, अगर बाहर निकले तो 1 स्टेप की दूरी रखना है भाई। अगर सीधे रहे तो 2 स्टेप, बाहर निकले तो भाई 1 स्टेप, और अंदर आए ज़्यादा तो 2 स्टेप की दूरी आपको रखना है भाई। ये हो गया आपका पोजीशन, जब भी अंदर आए 2 स्टेप की, बाहर जाए 1 स्टेप की, सीधे रहे तो 2 स्टेप की, ध्यान रखना है भाई। अब बात करते हैं शॉट को खरीदना चाहिए कि नहीं। तो गाइस 3 लेंथ की भाई गेंद को कनेक्ट करता है, तो आप इस शॉट को खरीद सकते हैं। बस एक टाइमिंग का जो मसला है, यानी कि लेट खेलना है, उसी में आपको अगर दिक्कत होगा तो भाई किसी और शॉट के लिए जा सकते हैं, या फिर अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। बस टाइमिंग के सिवा भाई इसका सब कुछ सही है। मैं इसको भाई 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा, आप कितना दीजिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, 1 लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। बाय बाय।